गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स एक्सरसाइज 6.2। तो हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने लगे हैं। तीन क्वेश्चन तक हम इसके कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो बुक अपनी सामने रखनी है आपने। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ किस किस का, ए पार्ट देखो, 137 एंड -354। 354 सम का मतलब क्या होता है? दोनों को प्लस करना। देखो क्या करोगे इसको आप, 137 लिखा, एंड को हटा के इसकी जगह क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि सम निकालना है और उसके बाद ये वाली रकम लिख लेनी है, क्योंकि ये माइनस का साइन इसके साथ आ रहा है। इस तरह से इसको ब्रैकेट में लिख लेना है, जब दो साइन इकट्ठे आए तो ऐसे लिख लेना चाहिए। 137 प्लस इंटू माइनस माइनस 354। ध्यान से इस स्टेप को देखना, ये देखो ये रकम छोटी है, उसमें से बड़ी रकम माइनस कर रहा हूँ मैं। छोटी में से बड़ी रकम जब भी माइनस हो तो आंसर में माइनस का साइन आ जाता है। करना वैसे ही आपने 354 में से 137 को माइनस कर लेना है। तो 14 में से 7 गया तो कितना हो गया 7, इधर क्या बचा 4 में से 3 गया तो कितना हो गया 1, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, 217 इसका आंसर आ गया। याद रखना, छोटी में से जब बड़ी रकम माइनस की जाए तो आंसर में क्या माइनस का साइन लगा देना होता है। आई बात समझ? करना इसको वैसे ही होता है 354 में से 137, लेकिन जब ये हो कि छोटी में से बड़ी रकम माइनस हो रही है तो माइनस का साइन आ जाएगा आंसर में। बी पार्ट देखो, इसको भी ध्यान से देखना, बहुत इजी पार्ट है। -52 एंड 52 ये लिखा हमने, -52 एंड के साइन को हटाया, प्लस का साइन, प्लस का क्यों लगाया, क्योंकि सम करना है, और 52 आ गया ये। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब दो नंबर सेम हो, है ना, ये 52 52, और उनके साइन उल्टे हों, ये देखो इसके साथ माइनस का साइन लग रहा है, इस 52 के साथ क्या लग रहा है, प्लस का साइन, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आंसर क्या आ जाता है, 0 आंसर आ जाता है, ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो आगे सी पार्ट, इसमें तीन टर्म्स हैं, -312 -39 एंड 192। अब इसको देखो क्या करना है, -312 कामा को हटा के प्लस का साइन, 39 एंड को भी हटा के प्लस का साइन, 192। -312 वैसे ही, अब ये देखो ये दोनों प्लस वाले नंबर हैं, इन दोनों को आप ऐड कर लो। 192 में आपने ऐड करना कितना, 39, 9 + 2 कितना हो गया, 11, ये आ गया 1 carry over, 9 + 1 10 + 3 कितना हो गया, 13, 1 carry over, 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो ये प्लस का 231। अब देखो प्लस माइनस माइनस कर देना दोनों को, दोनों को क्या करना है, माइनस, प्लस माइनस माइनस करना है, और इन दोनों में जो बड़ा नंबर है आंसर में उसका साइन आ जाएगा। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 312 बड़ा है, तो इसका माइनस का साइन आंसर में आ जाना है, और प्लस माइनस क्या करना होता है, माइनस कर देना होता है। तो ये मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, 312 में से 231 करना माइनस, 2 में से 1 गया तो कितना होगा, 1, 11 बना लो, 11 में से 3 गया तो कितना हो गया, 8, ये 2 बना, 2 में से 2 गया तो कितना हो गया, 0, -81 इसका फाइनल आंसर आ गया। तो तीन टर्मों को भी हम कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा ही है, उसमें
जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा उसमें तीन टर्म या चार टर्म भी होंगे। अच्छा, इसका एक और पार्ट है, डी पार्ट भी है, पहले उसको करेंगे हम। डी पार्ट देखो इसका, -50 कामा -200 एंड 300। चलो करते हैं इसको। -50 कामा को हटाया प्लस का साइन, फिर ये -200 एंड को हटाया प्लस का साइन 300। इसको ऐसे लिख लो क्योंकि यहाँ पे भी दो साइन इकट्ठे आए थे ना, -50 प्लस इंटू माइनस -200 प्लस 300। ये दोनों माइनस वाली नंबर्स हैं, इनको मैं पहले सॉल्व कर लूँगा। माइनस माइनस प्लस कर देना होता है, लेकिन साइन क्या लगाना होता है, माइनस का। तो 200 में 50 को किया प्लस तो कितना आ गया, 250 आ जाएगा। तो ये 250 आया, इन दोनों का आंसर माइनस में, प्लस 300 वैसे का वैसे। अब देखो प्लस माइनस दोनों को माइनस कर देना है, और इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसका साइन आ जाएगा। तो 300 बड़ा है ना, उसका साइन क्या, प्लस का, उसका साइन आ गया। प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और 300 में 250 कर देना माइनस तो क्या आएगा, 50। तो ये प्लस का साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अभी जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना, फाइंड द सम, फाइंड द सम। और ए पार्ट है -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16। सिंपल, ये भी -7 प्लस इंटू माइनस -9 प्लस 4 प्लस 16। ये दोनों माइनस के नंबर हैं और ये दोनों प्लस के नंबर, कर लो सॉल्व। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 9 और 7 कितना होता है 16। प्लस ये प्लस कर दो, 16 और 4 कितना हो गया 20। प्लस माइनस माइनस कर देना बड़ी रकम का साइन, बड़ी रकम क्या है यहाँ पे 20, और उसका साइन आ जाएगा आंसर में। तो 20 में से 16 गया तो कितना हो गया 4। तो इस तरह से हम कोई चार नंबरों को अगर हमने क्या करना हो, सॉल्व करना हो, तो उसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका एक और पार्ट है, बी पार्ट, ये मिटाता हूँ मैं पहले। बी पार्ट है, इसमें क्या नंबर्स हैं, 37 प्लस -2 प्लस -65 प्लस -8। तो चलो इसको करते हैं। 37 प्लस इंटू माइनस -2 प्लस इंटू माइनस -65 प्लस इंटू माइनस -8। ये तीनों माइनस के नंबर हैं, तो माइनस 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 क्या, सबको प्लस करना है, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो ये 75 आ जाएगा अगर इनको आप क्या करोगे। आप देखो द्वारा छोटी में से बड़ी रकम माइनस हो रही है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस का साइन, लेकिन करना वैसा ही होता है। 15 में से 7 गया तो कितना हो गया 8, इधर बनाया 6, 6 में से 3 गया तो कितना हो गया 3 ही आ गया। तो 38 इसका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज जो है ये आपकी ख़त्म है। तो इस एक्सरसाइज को ध्यान से आपने कापियों पे नोट कर लेना है।